अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में अगेन हमेशा हर व्लॉग में वे स्टार्ट करती हूँ जब हम कहीं जा रहे होते हैं। हाँ हाँ ग्रीन है। जब हम कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, आज नदीम के साथ नहीं हूँ बल्कि मैं मारिया के साथ जा रही हूँ जो मेरे नेबर्स में, हम लोग एक ही घर में रहते हैं। आज हमने सोचा बस गर्ल्स डे आउट करते हैं, पाकिस्तान में तो हम बहुत करते होते लेकिन मीर हैदी के साथ ना फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ और मारिया भी। आज हमने सोचा हम आराम से जाएंगे, देखेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे, पियेंगे, रिलैक्स करेंगे। और यहाँ यूके आने के बाद 4 महीने हो गए, इस तरह मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। अभी मुझे हिफ्ज़ा और सबा की बहुत याद आ रही है, लेकिन खैर सबा भी आने वाली है। पता नहीं मुलाकात यहाँ पे होती है कि नहीं होती, लेकिन चलें एक आसरा होगा कि एक ही मुल्क में तो हैं। बाकी अभी हम लोग टाउन सेंटर पहुँचाएँ और बस चलते हैं, रैंडम जाएँगे शॉप्स पर। ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, टाउन सेंटर हम लोग पहुँच आए हैं। मारिया चलना बाहर ना जाए, आज करने के बाद ना टल्ली हो जाएगी। गर्ल्स डे आउट इन इंग्लैंड, टाइटल होगा। किसको कौन संभालेगा, खुद को तो हम संभालेंगे। एक कार जिसको भी दूध में डाल देते हैं सो जाएगा ये। एक टेक लगा ले बच्चा तो बस तक बार। फिर हमारा टाइटल होगा गर्ल्स डे आउट इन यूके टर्नोवर है। तो फिर ये हमारा पहला और आखिरी दफा होगा बाहर निकलना। उसके बाद नदीम ने, सलीम भाई ने और नदीम ने ना हमें कहीं नहीं जाने देना, कहेंगे तुम लोग घर में ही रहो, तुम लोग की नहीं, तुम लोग की औकात नहीं है बाहर जाने की, डे आउट करने की। एक ये सेकंड हैंड शॉप है, इधर हम लोग जा रहे हैं। दो शॉप्स घूम चुके हैं और हमें कोई इतना बस अच्छा नहीं लगा कि जो हम ले लें। और ये बस रुकी हुई है, आप किधर चलो पता नहीं, आइडिया नहीं है। हम लोग भी जो शॉप नज़र आ रही है, जो अच्छी लग रही है ना, उसमें जा रही हैं। चलो देखाती हैं इधर क्या है, इधर क्या है, और अभी देखते हैं हम किधर जाते हैं नेक्स्ट। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, चर्च के बाहर बैठने की जगह है। और ये रहा मीर हादी, हेलो, जो कि कबूतर को देख के ना एक्साइटेड हो रहा है बहुत और उन्हें बुला रहा है। अब हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जो हम इनको दें, है मीर हादी। जब आपके बेबी हो जाए और आपका डे आउट ऐसे होता है, ऐसे होता है देखो, ऐसे होता है देखो। लड़कियों जिनकी शादी नहीं हुई, एक साल दो साल तक बच्चा नहीं करना। टिप फ्रॉम मारिया। कोई मारिया तुम्हारे भी थोड़े दिन रह गए हैं। नहीं यार, मेरा बहुत टाइम है अभी। थोड़ा टाइम रह गया आपने भी, सिक्स सेवन मंथ।
इंशाल्लाह बस थोड़ा टाइम ही आ जाएंगी आप भी इसी फेज में। ओ मेरा जी देखो एंजॉय कर रहा है। हाँ कबूतर और वो एंजॉय कर रहा है मौसम भी। ना मामा आराम करती है ना मुझे करने देती है मेरी हादी। चलो आ जाओ इधर करो इधर करो ये लो। मारिया ने अभी डिसाइड किया कि चर्च भी अंदर से देख लेते हैं क्योंकि हम कभी गए नहीं उस तरह देखने अंदर से। मूवीज वगैरह में ही देखा हुआ है तो हमने कहा चलो इधर बाहर बैठे हैं तो अंदर से देखाते हैं किस तरह का है चर्च। हम लोग जा रहे हैं टाउन सेंटर में एक और यहाँ पे एक शॉप है तो पीछे वो पियानो बजा रहा था मैंने कहा शायद आज है लेकिन उसने बजाने बंद कर दिया और मेरे पास वो चेंज नहीं था वरना मैं रुक के सुनती। तो अभी बस एक दो शॉप से और जाते हैं फिर कुछ खाते हैं है ना। चर्च हम लोग गए काफ़ी पुराना चर्च था आई थिंक वीडियो में उसकी कोई डेट आ गई होनी है तो वो अंदर से बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था। मुझे इसलिए शौक था कि हम लोग ड्रामा देखते रहे ना सुल्तान सुलेमान और वो जो उसके बाद की जो अभी हम लोग देख रहे थे ये इसका क्या नाम था सुल्तान अब्दुल हमीद। हाँ सुल्तान अब्दुल हमीद इनमें वो दिखाते हैं ना चर्च वगैरह और वो लेकिन आज हमने रियल में देखा है इतना अच्छा अंदर से साफ सुथरा लाइक जो भी है आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था उसका। क्लीयरेंस पे लगा हुआ है ये बहुत अच्छा है ये कितने का वो न्यू लग रहे हैं यार ये कितने का है ये न्यू 79 का अभी कितने का होगा इसकी बिल्कुल प्राइस होगी 10 का होगा आई थिंक। बेड भी काफी सस्ते लगे हुए हैं ये कितने का लगा हुआ है उधर ही चलते हैं फिर बूट्स पे। अभी हम लोग ग्रॉसफिनर सेंटर आए हाँ मैं गई थी इधर यहाँ पे आए हैं मिहादी का दूध लेना है और कुछ मल्टीविटामिन्स लेने हैं और ये पीछे रहा प्राइमार्क और ये रहा नेक्स्ट मीर हादी के कपड़े लेने में यहाँ पे आई थी वो वाला मैंने बनाया था व्लॉग और अभी बस आई थिंक यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं मीर हादी के बर्थडे के लिए ले सकते हैं कार्ड फैक्ट्री गिफ्ट तो मेरे लिए भी चीज़ें हैं आई गार्लिक स्मेल हॉरिफिक Tea tree oil helps to tone your face. Tea tree oil helps with inflammation. So if there's any red. These are only for one use. No. So it'll be in a tub like this, so you can use it as a bit. And then there's the expiration date, but I always go past the expiration date. It's fine. Okay. So yeah. And then of course we've got our bath bombs, which we're famous for. And also, I thought this is a chocolate. Oh yeah, no, it looks so much like chocolate. Don't worry, you're not the first person. I thought it looks a bit like you know the cake. Try any samples of anything or try anything like that. Mm. Please just let me know. Okay. टोनर वाटर आई एम जस्ट वंडरिंग थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेशन। अच्छा मुझे लगा कि ये चॉकलेट है बट ये सब जो हैं होम मेड मास्क हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट हाँ फेस मास्क हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने सेटअप करके रखा हुआ है विच इज़ नाइस।
वह होम मेड है, ऑर्गेनिक है तो एक्सपेंसिव तो होगा. सिर्फ इसका आई थिंक 10 pounds है, सिर्फ इतनी सी का है ना, बट अच्छा है. और ये पूरी शॉप है, दिस इज़ नाइस. और ये पूरी दुकान है, काफ़ी अच्छी सी और काफ़ी एक्सपेंसिव भी. यू नो सिर्फ ये एक बाथ बॉम्स 550 का एक है. एक दफ़ा अगर आपने नहाना है तो लग्जरियस आपने. ये छोटा वाला है ना, ये वाला वाइट वाला और ये पम्पकिन वाला. स्मेल करें, ये पम्पकिन वाला ट्राई करते हैं. अच्छे यार. ये शॉवर जेली है, ये स्लाइम जैसा है ना, जेली टाइप की. और ये 10 pounds का है सिर्फ ये वाला. सर क्योंकि ये ऑर्गेनिक शॉप है तो इस वजह से चीजें एक्सपेंसिव हैं. वाइटामिन भी ले लिए, अब चलते हैं कुछ खाने क्योंकि बहुत तक भूख लगी हुई है. अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, समोसे हमने सुना था यहाँ से मिलते हैं, ये अल फिरोज से. तो चलते हैं यहाँ पे, पता करते हैं अगर समोसे हैं तो लेके खाते हैं. बाय, आई वांट टू गो. बाय बाय. मेरी शादी को तो ले गई है वो, देखें उठा के घूम रहे. तो गए हैं यहाँ समोसे खाने, मिल गए हम लोगों को. हमने भी दो दो ऑर्डर कर दिए समोसे. और बाकी भले खले क्या हुआ, देख मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से. इधर फोटो बनाऊंगी तुम्हारी. ये है यहाँ की वाइब, अच्छा बना हुआ है. लाइफ इज सो डल विदाउट यू. जानी वेयर इज माई बिरयानी. अच्छी है यार, सही है, देसी है ना. देसी है ना, हाँ. तो बस उन्होंने वही वाला एनवायरनमेंट बनाया हुआ. समोसे आ गए हम लोगों के और बस अब हम लोग ना खाने लगे हैं. और ये रहा मीर हादी. हाँ थैंक यू. चलो बहुत मजे के हैं. मैं और मारिया कह रहे हैं कि पाकिस्तान की याद आ गई है समोसे खा के, है भी मजे के. 3 hours later. तो हम लोग आगे थे घर और आज तो हम लोगों ने समोसों की नई उठा दी है ना. दो दो हम समोसे उधर खाए हैं, फिर हम एक एक साथ भी लेके आए हैं. चाय के साथ समोसा खाया है, नमाज पढ़ी है, अभी मैंने हांडी बना रही हूँ. मैंने कहा बस आ जाओ वापस, बहुत हो गया डे आउट, बहुत घूम लिया. और अभी मैं बना रही हूँ भिंडियाँ ताकि फटाफट बन जाएँ क्योंकि मैं भी थकी हुई हूँ. और आज के दिन बहुत अच्छा गुजरा मारिया के साथ, उसने भी काफ़ी इन्जॉय किया, मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया. और नदीम के बगैर फर्स्ट टाइम गई हूँ मैं, तो बस लड़कियाँ लड़कियाँ थी ना, तो वो पाकिस्तान की याद आ गई मुझे. तो खैर ये वाला ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ. बस अब मगरब हो गई है, नमाज़ पढ़ते हैं और मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी. मेरी हादी भी सो गया था. तो उम्मीद है आप लोग भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.